कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 67वां दिन। किसान संगठनों ने कहा अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिले के गाजीपुर बॉर्डर पर कई स्तरों की बैरिकेडिंग की गई, पुलिस ने कहा एहतियातन बढ़ाई गई है सुरक्षा। आंदोलनकारी किसानों की भी संख्या बढ़ी, आसपास इंटरनेट आज रात 11 बजे तक सस्पेंड। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा को सख्त किया, मौके पर अर्धसैनिक बल भी मौजूद। स्थानीय लोगों ने कहा आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए नई बैरिकेडिंग की जा रही है, किसानों के आंदोलन को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा 26 जनवरी को जो हुआ उससे वो शर्मिंदा हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री की गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। 26 तारीख को जो हुआ उस पर वो जो तस्वीरें थी उसमें पूरा देश शर्मसार है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज की जो मन की बात है, हम भी शर्मसार है, नहीं होनी चाहिए थी। वे लोग कौन थे जो वहां तक गए? छब्बीस जनवरी को हिंसा मामले में अब तक 38 FIR पुलिस ने 84 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के डर से घबराया दिल्ली हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू, वीडियो जारी कर बोला परिवार को न करे परेशान, मैं खुद एक दो दिन में पेश हो जाऊंगा। 26 जनवरी को हुए हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, हिंसा की जांच के लिए SIT गठन की मांग। 26 जनवरी